नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में लगातार उन विषयों को हम शामिल करते हैं जिनमें आपको बेहद जानकारी मिलती है और इस जानकारी से आप लाभान्वित भी होते हैं। तो सबसे पहले आज के जो हमारे विषय हैं वो आपको हम बता देते हैं, आज के इस विषय पर आपको हम जानकारी देंगे। आज हेलो किसान में हम बात करेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन और स्वच्छ दूध उत्पादन एवं A2 दूध का महत्व। ये हमारा आज का विषय होगा और इस विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल जानना चाहते हैं, कुछ जानकारी आप और जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आप नोट कर सकते हैं, ये नंबर है 1800-11-3060। इसके साथ ही दूसरा नंबर है 1800-11-3061। इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और जो आपके सवाल हमारे पास आएंगे उनके जवाब देने के लिए आज खास मेहमान हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में जो मौजूद हैं उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश पगोल जी, आयुक्त हैं पशुपालन डेयरी मत्स्य विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। बहुत बहुत स्वागत आपका। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भूषण त्यागी जी, सहायुक्त हैं पशुपालन डेयरी मत्स्य विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है त्यागी। और इसी के साथ राजेंद्र तंबोली जी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं A2 मिल्क रिसर्च कॉर्पोरेशन छत्तीसगढ़ में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में, जिस तरीके से मिशन की शुरुआत की गई और अभी जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं काफ़ी हम कह सकते हैं हमारे किसानों को फ़ायदा पहुँच रहा है। और ये ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि अगर हम देखते हैं आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए उसके लिए भी काफ़ी लाभकारी। सबसे पहले डॉक्टर सुरेश आपसे भी हम यहाँ जानना चाहेंगे, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की अगर हम बात करें जिस तरीके से शुरुआत की गई थी और अब की हम बात करें, कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं इन जो भी समय रहा है 2014 में जैसे शुरू हुआ और अब तक का जो वक्त है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है दिसंबर 2014 में इसका शुरुआत किया गया है जी, और इसका मूल आवंटन था ₹500 करोड़ जी। इसके अंतर्गत मूल उद्देश्य जो था ना, ये नेटिव ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स जो है स्वदेशी गायों को सुरक्षा और उसका अभिवृद्धि करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है जी। इसके अंतर्गत हम लोग जो है ना अभी तक 9 राज्यों में 14 गोकुल ग्राम स्थापित किए गए हैं जी। ये गोकुल ग्राम का स्थापित करना मुख्य उद्देश्य जो है ना 60% देसी नस्ल की ब्रीड प्रोडक्टिव जो दूध देने का क्षमता रखते हैं जी उनको उधर रखा जाएगा, और इसके अलावा 40% अन्य गायों को जो अनप्रोडक्टिव है उसको उधर रखा गया जी जा रहा है। और ऐसा 9 राज्यों में 14 गोकुल ग्राम अभी तक स्थापित के डिफरेंट स्टेजेस में है जी, बिल्कुल स्टेज में चल रहा है जी। तो ये हम इसको मान सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। डॉक्टर भूषण आपसे भी हम जानना चाहेंगे, यहाँ डॉक्टर सुरेश ने हमें बताया किस तरीके से राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है ये अब लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर पशुपालकों की बात की जाए तो उनको किस तरह का फ़ायदा इस मिशन से है? पशुपालक लगातार इस मिशन के साथ में जुड़ रहे हैं, जैसे कि उनको सीमेंट डोजेस जो पहले हमें मिल नहीं रही थी, देशी नस्लों की जो सीमेंट डोजेस थी, जैसे गिर नस्ल की सीमेंट डोज है, थारपारकर नस्ल की सीमेंट डोज है, और साहिवाल नस्ल की सीमेंट डोज है, रेड सिंधी नस्ल की सीमेंट डोज है, देवरी नस्ल की सीमेंट डोज है, कांकरेज नस्ल की सीमेंट डोज है, ये अब किसान भाइयों को तीव्रता से जल्दी से मिल जाती है उनके समीप के ही जो हमारे सीमन केंद्र है, सीमन उत्पादन केंद्र है, वहां से मिल रही है। साथ ही साथ हम पशुपालकों को बुल भी प्रदान कर रहे हैं, जो बुल उनके नेचुरल सर्विस के लिए हैं, उनके गांव में जो पशुपालक बुल रखना चाहते हैं वो पशुपालक बुल रखकर हमारी नस्लों का संरक्षण और संवर्धन कर सकते हैं। साथ में जैसा सर ने बताया आपको कि हमने गोकुल ग्रामों की भी स्थापना की है, तो गोकुल ग्राम जब स्थापित हो जाएंगे उनसे भी जो बुल निकलेंगे उनमें जो डिस्पेंसरी होगी उनमें जो देशी नस्लों के विषय में जो रिसर्च होगी उसका फायदा भी हमारे किसान भाइयों को जरूर मिलेगा। और इससे बल्कि किसान भाइयों को फायदा होगा बल्कि देश को भी फायदा होगा, देश की इकोनॉमी को फायदा होगा, क्योंकि जो गरीब किसान के पास में है 80% गाय हमारे गरीब किसानों के पास में ही है देशी नस्लों के, तो देशी नस्लों को पालने वाले किसान अगर समृद्ध होते हैं इससे तो हमारी नेशनल इकोनॉमी को बहुत अधिक फायदा होगा। जैसा कि हमारा स्वप्न है कि हम किसान के आय को दुगना करेंगे 2022 में, तो वो दुगना करने का काफी मदद होगा, उसमें काफी हमें सहायता मिलेगी और किसानों के आय की वृद्धि तेजी के साथ में होगी। बिल्कुल, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो लक्ष्य है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सके, और उसके लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है एक बेहतर विकल्प माना जा रहा है। आइए इस मिशन को और बेहतर ढंग से जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन तथा डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक संकेंद्रित परियोजना है जो कि देसी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत देसी नस्लों के संवर्धन संरक्षण एवं विकास हेतु राज्यों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। डेयरी व्यवसाय में 70 लाख परिवार लगे हुए हैं जिनके पास औसतन 2 पशु हैं। भारत में कृषि के साथ साथ पशुपालन एक पारंपरिक आजीविका संबंधी गतिविधि रही है। देसी नस्लों में गिर, साहिवाल, राठी, थारपारकर आदि मान्यता प्राप्त देसी नस्लें हैं। तो जाना आपने, देसी नस्लों को हम कह सकते हैं बढ़ावा देने के लिए और ज़्यादा उसको प्रोत्साहित करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ना A2 दूध की अगर बात की जाती है, काफ़ी ऐसे दर्शक हैं हमारे जो इसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे दर्शक जिनके लिए शायद ये हो सकता है ये कोई नया शब्द हो। राजेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। A2 दूध की हम यह बात करते हैं और इसके महत्व की खास तौर से बात की जाए, क्या इसके बारे में आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले मैं तो स्वदेशी गौपालक किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जो उनके पास गौवंश है, स्वदेशी गौवंश, उसमें A2 दूध पाया जाता है। A2 दूध होता है जो भारतीय नस्ल की देसी गायों में होता है। A2 दूध शब्द दुनिया में पहली बार 2007 में आया जब न्यूजीलैंड से एक पुस्तक प्रकाशित हुई, डेविल इन द मिल्क। 22 साल की रिसर्च के बाद ये पुस्तक आई, कीथ वुडफोर्ड ने ये पुस्तक लिखी थी। फिर दुनिया में दो प्रकार का दूध आया तो उनके यहाँ कुछ बीमारियों के लक्षण पाए गए A1 दूध में, कुछ जो स्वास्थ्यवर्धक नहीं थे। तो जब दूसरे दूध में टेस्ट किया गया तो उसको A2 नाम दिया गया और वो जो भारतीय नस्ल की सारी जो गाय होती है वो A2 दूध होती है जी। A2 दूध पौष्टिक होती है, सुपाच्य होती है। A1 दूध को इसलिए अलग किया गया कि उसमें BCM7 नामक एक तत्व पाया जाए, बीटा कैसोमॉर्फिन, जो पाचन तंत्र को हमारे डिस्टर्ब करता है। तो जो छोटे बच्चे हैं या जिन बीमार लोग हैं उनको ज़्यादा नुकसान होता है और लंबे समय तक A1 दूध से शरीर को शारीरिक रूप से परेशानी होती है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। लेकिन A2 दूध पौष्टिक स्वास्थ्यवर्धक होता है, उसमें सेब्रोटिस होता है जो बुद्धि के विकास में मदद करता है, CLA होता है जी, और विटामिन डी होता है उसमें, ओमेगा 3 फैटी एसिड, काफी फायदेमंद, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, हर तरफ से संपूर्ण आहार कह सकते हैं जी। डॉक्टर भूषण, जैसा यहाँ राजेंद्र ने कहा संपूर्ण आहार, और यहाँ ना सिर्फ A2 को स्वच्छ तो हम मान ही रहे हैं, काफी पौष्टिक भी है वो, लेकिन अगर हम आपसे जानना चाहें स्वच्छ दूध उत्पादन की हम बात करते हैं, बेहद जरूरी जो हमारे पशुपालक हैं इसके बारे में भी जाने, और ऐसा नहीं कि किसान जानते नहीं, जानते भी हैं, लेकिन क्या उनको और एहतियात बरतने चाहिए? देखिए, स्वच्छ दूध बहुत जरूरी है देश में पैदा करना, क्योंकि अगर दूध स्वच्छ होगा तो उसकी जो कीमत होगी वो भी उसको किसान भाई को ज़्यादा मिलेगी जी। तो स्वच्छ दूध कैसे पैदा करें ये किसान भाइयों को जानना चाहिए। इसको जानने के लिए सबसे प्रथम है कि आप जब भी दूध निकालें तो किसान की वो भैंस की या गाय की जो भी ओड़ी है उसको ठीक से धो लें, साफ कर लें जी, जो भी थान है उसके ठीक से साफ करें, और एक अलग तौलिया रखें हर पशु के लिए, उसके पास में अलग तौलिया हो, और उस तौलिया से उसको अच्छे से पोंछ लें, अपने हाथ भी अच्छे से धोएं। दूध निकालते वक्त ये भी ध्यान रखें कि आप केवल उंगली का ही प्रयोग करें जी। किसान भाई बहुत से होते हैं जो अंगूठे का प्रयोग करते हैं थनों में, जिससे थनों को इंजुरी हो जाती है और पशु को थनेला रोग हो सकता है, जिसको हम अंग्रेजी में मास्टाइटिस भी कहते हैं। तो इससे बचने के लिए ठीक तरीका यह है कि आप दूध निकालते वक्त उंगलियों का प्रयोग करें, अंगूठे का प्रयोग कतई ना करें। यानी इस बात का भी ख्याल रखना होगा, हमारे जो पशुपालक हैं उनको थोड़ी सी जानकारी और देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए, जिससे और बेहतर ढंग से वो जान पाएं स्वच्छ दूध उत्पादन है क्या और इसके क्या फायदे हमारे पशुपालकों को मिल सकते हैं। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए आवश्यक है कि दूध के उत्पादन के दौरान हर हालत में दूध का रखरखाव सही ढंग से पूरा किया जाए, पशु का पूरी तरह से स्वस्थ और किसी भी तरह की बीमारी से दूर रहना स्वच्छ दूध के उत्पादन में काफी सहायक होता है। दूध और उससे बनी चीजों का गोदामों में रखरखाव, परिवहन व्यवस्था, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने और पैकेजिंग पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। एक स्वस्थ पशु को ठीक ढंग से रखने के लिए कुछ जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। दुधारू पशुओं की समय समय पर जांच होनी चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि उनमें किसी तरह की बीमारी तो नहीं है। पशुओं को मुंह और खुरपका की बीमारी, रिंडरपेस्ट,
सेप्टिक सोर थ्रोट से बचाने के लिए टीके साल में कम से कम एक बार अवश्य लगवाने चाहिए। पशुओं पर किसी तरह के भी कीटाणु का प्रभाव ना पड़े, ये काम एक निश्चित कार्यक्रम के तहत करना चाहिए। स्वच्छ दूध उत्पादन में मवेशियों के आसपास की जगह की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पशु आवास हवादार और जरूरत के अनुसार प्रकाशित, सूखा और आरामदेह होना चाहिए। इसका निर्माण इतनी ऊंचाई पर होना चाहिए ताकि पानी के जमाव के अलावा चींटी, दीमक, मक्खी, तिलचट्टा और दूसरी महामारी वाले कीट जैसी किसी भी समस्याओं से उसका बचाव हो सके। स्वच्छ दूध के उत्पादन में स्वस्थ और संतुलित आहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूध निकालने वाले बर्तन का साफ रहना दूध की गुणवत्ता को बहुत अधिक प्रभावित करता है। दूध निकालकर रखने वाला बर्तन स्टेनलेस स्टील का बना हो या उस बर्तन पर एल्यूमिनियम या लोहे की कलई मौजूद हो। दूध निकालकर रखने वाले बर्तन के मुंह की चौड़ाई कम होनी चाहिए, साथ ही उसके मुंह को अच्छे ढंग से बंद करना चाहिए ताकि बाहर की धूल और मिट्टी से दूध का संपर्क न हो सके। तो जाना आपने स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में काफ़ी सारी जानकारी जो है जो आपने इस रिपोर्ट के जरिए भी ली, और कुछ दर्शक हैं हमारे जो और भी जानकारी लेना चाहते हैं। फिलहाल कोटा राजस्थान से हमारे साथ महेंद्र जी जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ जी सर जी, अपने को कुछ पूछना था जी। तो आपने देसी नस्ल की गाय है जी, महेंद्र जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना? हाँ, देसी नस्ल की गाय है तो अपन चारा वारा खिला रहे हैं, सूर बुआ रखी है जी। हाँ जी, सूर उड़ कर रखी है अपने, अभी जो दूध उत्पादन है वो कल वल मिला रहे हैं तो दूध भी कम दे रही है अभी वो। चलिए, दूध उत्पादन जो है वो कम है जी। अरे वो टंकी है ना, आपने जैसे पानी की टंकी भरते हैं उनके, तो उसमें वो कंजी चा जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं उसमें जी, कीड़े लग जाते हैं उसमें, क्या करें उपाय उसका? चलिए बिल्कुल महेंद्र जी, आपका सवाल हमारे पास आ चुका है, लेकिन उससे पहले बाकी दर्शकों को भी हम बता दें, जब भी आप सवाल पूछें तो अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम रखिए, तभी आपका जो सवाल है बेहतर ढंग से हम सुन पाएंगे। डॉक्टर भूषण, आपके पास मैं आना चाहूँगा। यहाँ जैसे उन्होंने कहा जो नस्ल है उसके मुताबिक इनको दूध नहीं मिल पा रहा है, और पानी का उन्होंने जिक्र किया कि जो टंकी है उसके आसपास छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो आने लगते हैं, उनके लिए किस तरह की रोकथाम की जाए जिससे पशु जो है स्वस्थ रहे, उसके सेहत पर उसका कुछ असर ना पड़े? देखिए महेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने पशु का ठीक से ख्याल रखें, उसको संतुलित आहार दें। जैसा मुकुल जी ने पहले बताया, एक रिपोर्ट भी दिखाई कि संतुलित आहार बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अहम रोल प्ले करता है दुग्ध उत्पादन में। तो आप अपने पशु को अगर संतुलित आहार देंगे, उसको मिनरल मिक्सचर देंगे, उसको विटामिन की खुराक देंगे और समय समय पर टीके लगवाएंगे, तो आपका पशु स्वस्थ रहेगा और अधिक क्वांटिटी में दूध भी देगा जी। वैसे भी देशी नस्लों का दूध जो है था, उनकी उत्पादन क्षमता जो होती है थोड़ी सी कम होती है विदेशी नस्लों के मुकाबले, पर उनका दूध स्वास्थ्यवर्धक है, जैसा अभी बताया गया आपको कि A2 मिल्क वो पैदा करती है, तो उसके फायदे भी बहुत हैं हमारे उस दूध के जी। तो आप दूध बढ़ाने के लिए जो भी अब इंसेमिनेशन कराएं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो भी कराएंगे, तो किसी अच्छे तकनीशियन से कराएं, मैत्री के साथ में कराएं, और वो अच्छे बुल का सीमन आपके इसमें अगर डालेगा तो आपकी जो अगली नस्ल होगी वो ज्यादा दूध की उत्पादकता होगी उसमें। तो आपने कीड़ों की बात की, तो जो कीड़े आ रहे हैं तो कीटनाशक का आप वहां पर प्रयोग कर सकते हैं, टंकी के आसपास से जो कीड़े वहां पर आ रहे हैं, और साथ ही साथ सफाई का ध्यान रखें। अब जहां पर आपने अपने पशु को रखा है वहां से गोबर को पूरी तरह से साफ रखें, बार बार साफ करते रहें, और कीड़े आना जरूर कम हो जाएंगे अगर आप गोबर को ठीक से साफ करेंगे तो। बिल्कुल, तो ये सावधानी इनको रखनी होगी। अगले दर्शक जो है वो उज्जैन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी दिलीप जी, सवाल कर सकते हैं आप अपना? सर मैं बोल रहा कि अपने को देसी गिर नस्ल की गाय चाहिए थी, हमारा उज्जैन जिले की बर्नगर तहसील के आसपास किस जगह से उपलब्ध हो सकती है? चलिए, गिर नस्ल की ये जानना चाह रहे हैं, इनको जो गाय है वो गांव का नाम है मलोड़ा जी, वो गाय इनको चाहिए उज्जैन से, ये हमारे साथ जुड़े हैं, और कहाँ से
डॉक्टर सुरेश, अगर क्या जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसके तहत जो अलग अलग नस्ल की गायें हैं ये भी पशुपालकों को उपलब्ध कराई जाती हैं? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हम दो नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर स्थापित कर रहे हैं जी। एक जो है हमारा सदर्न इंडिया में आंध्र प्रदेश में स्थापित हो रहा है और एक जो है ना मध्य प्रदेश भोपाल के नज़दीक कीरतपुर में स्थापित किया जा रहा है। मूलतः जैसा हमारे किसान भाई जानते हैं कि 40 नस्ल के देसी गाय रजिस्टर हो चुके हैं, उसका कैरेक्टर आइडेंटिफाई हो चुका है। इसमें सदर्न का भी ब्रीड्स है और नॉर्दर्न का भी ब्रीड्स है जी। तो नॉर्दर्न रिलेटेड ब्रीड्स जो है ना वो भोपाल सेंटर में इसका रकाज या इसको जानकारी ले सकते हैं वहाँ से या वहाँ से मिलके आपको गाय की उपलब्धता के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं जी। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ जो हमारे विशेषज्ञ हैं आपको बताने कहाँ से आप इसकी और जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर भूषण, इसके लिए क्या किसी तरह का कोई नंबर वगैरह भी अगर हमारे पशुपालक चाहें तो वहाँ पर संपर्क करके जानकारी ले सकें? देखिए गिर जो नस्ल है वो गुजरात प्रदेश की है, तो गुजरात के जो एनिमल हस्बेंड्री डायरेक्टर हैं जी उनसे संपर्क किया जा सकता है इसके लिए। साथ ही साथ ये हमारा गिर का रिकॉर्डिंग हम करते हैं जो हमारी सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम है अहमदाबाद में जी, तो उनके जो अधिकारी हैं हमारे तो उससे भी उनसे भी संपर्क किया जा सकता है अच्छी नस्ल के लिए जी। अच्छी नस्ल के लिए मैं इनको किसान भाई को एक सजेशन देना चाहूंगा कि जब भी वो पशु को खरीदें तो ताजे ब्याए हुए पशु को खरीदें जी। कभी भी ऐसा पशु ना खरीदें जो काफी बाद का ब्याया हुआ हो, 7-8 महीने ब्याया गया हो जी। और दूध उसका देख करके लें, मतलब 3 बार दूध देखें, शाम का देखें, सुबह का देखें और अगले दिन शाम का देखें, तब उस पशु को वो खरीदें जी। बिल्कुल, ये सावधानी आपको रखनी होगी और ये जानकारी देखिए आपको ई पशुधन हाट पे भी उपलब्ध हो सकती है, वहाँ से भी आप ये जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल अगले दर्शक जो हैं वो हमारे साथ झारखंड से जुड़ चुके हैं, इमरान अंसारी जी। इमरान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं गाय पालन करना चाहता हूँ जी, तो इसका ट्रेनिंग कहाँ मिलेगा और मतलब लोन वोन का व्यवस्था कैसे होगा? चलिए बिल्कुल, ये जानना चाह रहे हैं गाय पालन ये करना चाहते हैं उसके लिए प्रशिक्षण भी, और अगर हम आर्थिक मदद की बात करते हैं तो किस तरह की मदद डॉक्टर भूषण इनको मिल सकती है? इनको मदद के लिए हमारा एक कार्यक्रम है डेयरी उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, जिसके तहत हम 25% जो होता है सब्सिडी देते हैं, बैक एंडेड सब्सिडी। तो उसमें करीब 10 पशुओं के इंडक्शन के लिए, 10 गायों के इंडक्शन के लिए इनको लोन मिल सकता है बैंक के द्वारा जी। तो और सब्सिडी मिलेगी 25% की अगर ये जनरल कैटेगरी के फार्मर है। अगर ये ST SC के फार्मर है तो इन्हें 33.33% की सब्सिडी मिलेगी जी। जब ये पशु को इंडक्शन के लिए इनको क्या करना होगा, तो इसमें शामिल होने के लिए, इस योजना में शामिल होने के लिए इनके जो समीप के नेशनलाइज्ड बैंक है जी, जो बैंक है उससे संपर्क करना होगा, उसके मैनेजर को मिलना होगा और वो इनका नाम जब सेलेक्ट कर लेगा पशुपालन विभाग को इनका नाम भेजेगा और उसकी सब्सिडी जो होती है वो नाबार्ड के द्वारा रिलीज की जाती है। तो भारत सरकार अपनी सब्सिडी जो है, सब्सिडी का जो पैसा है नाबार्ड को रिलीज कर देती है इस योजना के अंतर्गत। और अधिक इनको जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर यह पूरी जानकारी उपलब्ध है और हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.dhd.nic.in जी। बिल्कुल, www.dhdnic.in इस वेबसाइट पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से आपको और जो बेहतर जानकारी वो मिल सकती है। राजेंद्र जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि ए टू दूध का महत्व तो आपने हमें बताया, लेकिन इसका जो रुझान है वो अभी तक जो एक दायरा अगर हम कहें तो किस कैसे कैसे आगे आगे ये बढ़ रहा है? आप ए टू दूध के बारे में सोशल मीडिया और जो सरकार कदम उठा रही है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी इनोसेटिव ले रही है, तो इसमें एक पूरे भारत में एक जागरूकता की नई लहर चल पड़ी है जी। और लगभग अभी हमने 10-11 राज्यों से 45 से 50 शहरों में टेस्ट किया है, तो ए टू दूध के नाम से, ए टू देसी काउ मिल के नाम से उसको प्रीमियम दर पर बिकना शुरू हो गया है जी। और काफ़ी पढ़े लिखे बच्चे, नौजवान बच्चे जो चाहते हैं, लड़के लड़कियाँ, वो इस दिशा में आगे आ रहे हैं और सर्टिफाइड ए टू दूध या सर्टिफाइड ए टू इंटीग्रेटेड डेयरी के नाम से एक नई दुनिया की शुरुआत भारत में हो रही है जी। बिल्कुल,
यानी हम मान सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, कितने सकारात्मक वो कदम, और कई फायदे इनसे ना सिर्फ हमारे पशुपालक बल्कि रोजगार की हम बात करें तो रोजगार को भी आप देख सकते हैं जो लगातार आगे बढ़ रहा है। और खासतौर से देखिए, ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, लेकिन इस मिशन के बाद कई ऐसी चीज़ें हैं जो अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही हैं, ना सिर्फ ए टू दूध का महत्व बल्कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो हम बात करें गोकुल ग्राम की जो स्थापना जैसे हो रही है, उसके तहत किसानों को पुरस्कृत भी किया जा रहा है पशुपालकों को और बढ़ावा देने के लिए। और इन सबके जरिए कोशिश भी यही है कि अगर हम रोजगार की बात करते हैं, क्योंकि पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जो कृषि का पूरक माना जाता है, तो इसी के जरिए भी जो हमारे किसानों की आय है 2022 तक उसको दोगुना किया जा सके। आगे भी इस विषय पर हम अपने जो विशेषज्ञ हैं उनसे जानकारी लेंगे, आपके जो सवाल हैं उनके जवाब भी आपको यहाँ दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए हेलो किसान। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवा पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास चार ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसके साथ ही स्वच्छ दूध उत्पादन और ए टू दूध का महत्व। अगर आप इस विषय से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं तो हमारा टोल फ्री नंबर जो है वो आपकी टीवी टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक और दर्शक जो है देखिए लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी अपना सवाल जो है हमसे कर सकते हैं। फिलहाल लुधियाना से जगदेव हैं जो हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जगदेव जी बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ जी, मैं साहीवाल और राठी नस्ल की गाय पालता हूँ जी, और किसान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंजाब में हमारी एक सोसाइटी है जी, साहीवाल एंड इंडिजिनियस कैटल सोसाइटी जी, उसके साथ काफी किसान जुड़े हुए हैं जी। मेरा सीधा सवाल ये है कि जो गोकुल मिशन का पैसा है वो किसान को सीधे रूप में कैसे लाभ पहुँचा सकता है? चलिए मेरा सीधा सवाल ये है। चलिए बिल्कुल डॉक्टर सुरेश आपके पास मैं आना चाहूँगा, जो हमारे पशुपालक हैं वो जानना चाह रहे हैं कि जो एक फंड की अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए जो तैयार किया गया है, जो आवंटित किया गया है, उसका किस तरीके से लाभ जो हमारे किसान हैं पशुपालक हैं उनको मिल सकता है? इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है ना, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिजिनियस देसी नस्लों को बढ़ावा देने के लिए जी, इसके तहत हम राज्य सरकार को जो लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसीज है, हर एक राज्य सरकार में एक लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी काम करता है जी, उनको हम फंड उनके माध्यम से हम रिलीज करते हैं जी। और इसके अंतर्गत जब राज्य सरकार थ्रू लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी से जो गोकुल ग्राम एस्टेब्लिश करने जाते हैं, तब देसी नस्ल की गाय किस किसान के पास अच्छे नस्ल की गाय हो उसको आइडेंटिफाई करके उधर इंडक्शन प्रोग्राम में वो ले सकते हैं जी। तो इसके तहत हमारा किसान भाइयों को लाभ मिल जाएगा जी। बिल्कुल किसानों को देखिए जो पशुपालक हैं उनको कैसे लाभ यहाँ मिल सकता है। साथ ही लाभ की अगर बात की जाए, राजेंद्र जी आपने भी बताया जो ए टू दूध है उसका महत्व तो है, उसके साथ साथ अगर हम उसको आर्थिक रूप से भी देखें तो काफ़ी शायद फ़ायदा इसमें हमारे पशुपालकों को हो सकता है जी। किस तरह का फ़ायदा अगर हम बात करें, क्योंकि अगर अंतर की हम बात करते हैं ए टू मिल्क की हम बात करें या ए वन मिल्क की बात करें तो कितना अंतर है इनमें और किस तरीके से जो किसान हैं पशुपालक हैं वो इससे लाभान्वित हो सकते हैं? जी स्वदेशी गौपालन किसान मित्रों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अपने दूध को ए टू के नाम से ब्रांडिंग करके अगर वो सर्टिफाइड कराएं और बाजार में लाएं शुद्धता के साथ जी, स्वच्छता के साथ, तो उनको प्रीमियम दर मिलना तय है जी। क्योंकि भारत के मैंने बताया पहले आपको कि 45 से 50 शहरों में प्रीमियम दर पर बिकना शुरू हो गया है जी। अभी अमूल ने भी लॉन्च किया है देसी गाय का ए टू दूध करके बनासकांठा में, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने लॉन्च किया जी, 70 रुपये लीटर से लॉन्च हुआ है जी। और जो वीटा डेयरी हरियाणा की, उन्होंने भी ए टू के नाम से वीटा ने भी लॉन्च किया है 70 रुपये लीटर से जी। तो जो बाजार में दूध मिलते 45-50 रुपये में या जो भी ब्रांडिंग होती है तो वो उसके हिसाब से तो ये थोड़ा सा प्रीमियम हो जाता है जी। चूँकि हमारे जो देसी गाय होती है स्वदेशी गाय हमारे किसान बंधुओं के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में रहती है जी, उनकी दूध थोड़ा हो सकता है कम हो लेकिन
अगर पैसे से तुलना करें तो पैसे का फायदा उसमें ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल, तो देखिए उसमें लोगों को अवेयर करें, और डीडी किसान में पहले भी इसके उससे में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आ चुके हैं। बिल्कुल, उसको जागरूकता के साथ फैलाने की जरूरत है जी। तो उसको देखिए, और जागरूकता की इसमें ज़रूरत, और हमारे जो किसान हैं जागरूक हो भी रहे हैं। इसका एक उदाहरण ये भी है कि लगातार जो दर्शक हैं हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। फिलहाल एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। रूप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में, क्या जानना चाह रहे हैं? सर, मैं जानना चाह रहा हूँ, मेरे पास जैसी नस्ल की गाय है जी, वो जाने वाली है, उसको 9 महीने 20 दिन होगा, जाएगी जी। कौन सी नस्ल की गाय है आपके पास? जर्सी नस्ल की गाय। जर्सी नस्ल की गाय है आपके पास, और आप जानना चाह रहे हैं कि जो उसका ब्याहने का वक्त था वो हो चुका है, लेकिन अभी तक जो आपकी गाय है वो ब्याही नहीं है? हाँ, 20 दिन 9 महीने और 20-25 दिन हो गए। चलिए, बिल्कुल। डॉक्टर भूषण, जो इनका सवाल था, क्या वजह इसकी हो सकती है और इनको अब क्या करना चाहिए? जो गाय होती है वो 280 दिन में ब्याहती है जी, तो आप देख लीजिए उससे 10-12-15 दिन ज़्यादा भी हो जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी कम भी होता है। तो 280 दिन प्लस 20 दिन आप लगाएं तो लगा लीजिए कि 300 दिन में भी गाय कोई ब्याह सकती है जी। तो अभी या तो किसी पशु चिकित्सक से परामर्श ले लें अगर उसको बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं उससे, 280 दिन से जी, और साथ ही साथ वो पशु चिकित्सक आपको बता देगा कि इसका बच्चा पेट में जिंदा है या मर गया है जी। अगर बच्चा मर गया होगा तो बच्चे को निकलवाना पड़ेगा, तो दवाइयों के द्वारा वो बच्चे को निकाल देंगे। पर लेकिन मुझे लगता है कि इनकी गाय ब्याएगी, क्योंकि जिस तरह से बता रहे हैं कि इनकी गाय पूरी तरह से ठीक है, चारा भी खा रही है जी, तो फिर ब्याएगी जरूर, तो 2-4 दिन में ब्या लेगी जी। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही डॉक्टर भूषण, हम स्वच्छ दूध उत्पादन की बात करते हैं, बरसात का भी जैसा मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में क्या कुछ खास सावधानी रखनी चाहिए हमारे पशुपालकों को? पशुपालकों को इस मौसम में बहुत ज़्यादा सावधानियां रखनी चाहिए। एक तो समय पर जो HSBQ का जो टीका होता है, जैसे हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया हम कहते हैं, गलघोटू रोग जिसको कहा जाता है, किसान भाई गलघोटू के नाम से जानते हैं, उसका टीका अपने पशु को बरसात होने से पहले लगवा लेना चाहिए जी, क्योंकि बरसात में ये रोग आने की संभावना होती है। साथ ही साथ साफ सफाई का ध्यान बहुत ज्यादा रखना होता है, क्योंकि गोबर चारों तरफ फैला होता है, तो उसको ठीक से इकट्ठा करके उसको फेंकना चाहिए। पशु का जो शेड है उसको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। जब भी धूप आए इस मौसम में तो शेड को थोड़ा खुला कर दें, जिससे कि उसमें जो स्मेल हो गई है, बदबू हो गई है, वो बाहर निकल जाए, या हमारा मीथेन जो उत्पादन हो गया है वो बाहर निकल जाए और पशु ठीक से उसमें रह पाए। साथ ही साथ चारे का ध्यान बहुत जरूरी रखना होता है इसमें जी, क्योंकि हरा चारा प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो हरे चारे के साथ साथ मेरा किसान भाइयों से निवेदन होगा कि वो भूसे का भी प्रयोग करें, खाली हरा चारा पशु को ना खिलाएं। उससे क्या होगा, गोबर बहुत ज्यादा पतला होगा, आपके शेड में बहुत ज्यादा गंदगी होगी। यानी हरे चारे के साथ साथ सूखे चारे का भी प्रयोग जरूर करना चाहिए जी। बिल्कुल, जरूर करें। और इसके साथ ही हमारे साथ अगले दर्शक जो है कर्नाटक से जुड़ चुके हैं। नागेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्कार, मैं गिर गाय से डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहता हूँ जी। मैं कहाँ से गिर गाय को परचेज करना है मुझे? चलिए, बिल्कुल, गिर गाय को लेकर ये डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं डॉक्टर सुरेश, हम देखें तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जिस के तहत ये बात कही गई थी कि जो हमारी देसी नस्लें उनको बढ़ावा दिया जाए, तो सार्थकता इसकी शायद हमें नज़र आ रही है। जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जैसे इन्होंने अभी सवाल भी किया कर्नाटक में कि गिर नस्ल के को लेकर ये डेयरी फार्मिंग जो स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसे इसकी ये शुरुआत करें? देसी नस्ल के उपलब्धता के बारे में ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत NMBP स्कीम से हमने ई पशुहट ट्रांसपोर्टल एक डेवलप किया है जी। ई पशुहट ट्रांसपोर्टल का मुख्य उद्देश्य जो है ना, ये देसी नस्ल के जर्म प्लाज्म उसका भेजने का और अवेलेबिलिटी बताने का ये काम करता है जी। इसके तहत 3 कैटेगरी में जर्म प्लाज्म देसी नस्ल के उपलब्धता के बारे में जानकारी मिलता है। एक जो है ना लाइव एनिमल्स जी, जो चलते फिरते जिंदा लाइव एनिमल्स रहते हैं ना, उसका इंफॉर्मेशन केवल देसी गायों का और भैंसों का मिलता है जी। और इसके अलावा फ्रोजन सेमन, ये जो घनीकृत वीर जो यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए जी, तो उसका उपलब्धता ब्रीड वाइज कहाँ कहाँ मिल सकता है उसका भी जानकारी इसमें मिलता है जी। और तीसरा जो है ना, ये भ्रूण, फ्रोजन भ्रूण एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के लिए उसका उपलब्धता के बारे में इसमें जानकारी है। इसके अलावा ई पशु पोर्टल के माध्यम से हमारे किसान भाई अपने आसपास के नज़दीक में कौन सा AI सर्विस प्रोवाइडर है, मैत्री है, AI टेक्नीशियन है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उनके पास कौन सी नस्ल के वीर उपलब्ध है, इसका जानकारी पूरा इस माध्यम से वो ले सकते हैं। और इसके अलावा
हमारा CHRS जो जैसा डॉक्टर भूषण ने बता रहे थे CHRS सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम्स जो है जी, तो गिर के नस्लों को परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग करने के लिए गुजरात के अजमेर में है और गुजराती मूल ट्रैक्ट है गिर ब्रीड्स के लिए जी। तो वहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री कांटेक्ट किया तो भाई इनको जानकारी मिलता है। लेकिन ई पशु मोटल पोर्टल के माध्यम से जहाँ भी किसान भाई बैठे उनके घर में ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जी। बिल्कुल, तो देखिए घर बैठे जो आप जानकारी है वो आप ले सकते हैं ई पशु पोर्टल की अगर हम बात करें। इसके अलावा कई और माध्यम जिनका चयन आप कर सकते हैं। राजेंद्र जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे ए2 दूध की अगर हम बात करते हैं, आपने बताया किस तरीके से इसका फ़ायदा पहुंचता है ना सिर्फ जो भोक्ता बल्कि जो उत्पादन करते हैं इसका उनको भी, लेकिन अगर उपलब्धता की बात आती है क्या किसी तरह का सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जिन किसानों के पास पशुपालकों के पास देसी नस्ल की गायें हैं और वो चाहते हैं कि उनको बेहतर इसका दाम मिल सके भाव अच्छा मिले, तो क्या कुछ उन्हें सर्टिफिकेशन इसका कराना पड़ेगा? जी जी, अगर छोटे किसान हैं जिनके पास एक गाय दो गाय पांच गाय तो NBGR से मदद लेके जी हरियाणा करनाल से करा सकते हैं। और जिसको कमर्शियल बेसिस पे बढ़ना हो इंटीग्रेटेड काम करना हो, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँ सर जी कि जो जब भी गाय की बात होती दूध की बात होती है हमें गौमूत्र गोबर के भी सदुपयोग की चर्चा करनी चाहिए जी। जब भी बात करें हम इंटीग्रेटेड बात करें, जैसे हमारे देश में अभी गोनाइल का ही इतना विज्ञापन आता है जी बिल्कुल, तो गौमूत्र से कीटनाशक हम बना सकते हैं है ना, गोनाइल बना सकते हैं, गोबर के भी बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं कंडे के रूप में खाद के रूप में और आजकल तो लकड़ी भी बनने लग गई गोबर के जी गाय की। तो जो भी स्वदेशी गौ पालन करना चाहते हो वो पंचगव्य पे गव्य सिद्ध पे जैविक खेती पे तो सारे विषय को लेके अगर बढ़े तो वो इंटीग्रेटेड में उनके जो फायदा होना है जो लाभ किसानों को होना स्वदेशी जी कम से कम वो 3 से 4 गुना बढ़ जाता है, सभी से पैसे बनते हैं। ये चीज सिर्फ देसी गाय में स्वदेशी गाय में होता है, भैंस या जर्सी गायों में ये सुविधा नहीं मिल पाती। काफी फायदे हैं अगर देसी नस्लों का हमारे पशुपालक संपूर्णता में बात होनी चाहिए गाय के खान पान से लेके रहन सहन से लेके शुद्धता से लेके गौमूत्र गोबर और दूध का सदुपयोग होना चाहिए पूरा, बिल्कुल इंटीग्रेटेड पूरी बात करें अगर हम जी बिल्कुल। अगर हम चौतरफा इस पूरे विषय को हम देखते हैं यानी आप देसी गाय को अगर चयन करते हैं तो काफी फायदा आपको इनको हो सकता है। और लगातार देखिए जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिलहाल महाराष्ट्र से अतुल हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अतुल जी बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? माफ कीजिए अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल जी आप सुन पा रहे हैं हमें? अनिल जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना? हेलो 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 सर जी, अनिल जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना? सर महाराष्ट्र से हूँ सर जी। हेलो सर महाराष्ट्र से हूँ सर, मैं उसको गोपालन करने का सर जी। वो महाराष्ट्र में कहाँ मिलेगा सर प्रशिक्षण उसका और लोन की माहिती वगैरह कूटी भेटना सर? देसी नस्ल आप लेना चाहते हैं गोपालन शुरू करना चाहते हैं? हाँ चलिए महाराष्ट्र जी। डॉक्टर भूषण आपसे मैं जानना चाहेंगे अगर महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो क्षेत्र अनुसार भी अलग अलग जो नस्लें हम देखते हैं, तो महाराष्ट्र के लिए कौन सी अच्छी देसी नस्ल रहेगी और कैसे ये गोपालन शुरू कर सकते हैं? मैं बताना चाहूँगा कि जो महाराष्ट्र की सबसे अच्छी नस्ल है वे देवनी नस्ल मानी जाती है, तो देवनी नस्ल के पशु ये अपने यहाँ रख सकते हैं। साथ ही साथ गिर नस्ल भी महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है, कांकरेज भी अब काफ़ी है, गावलाव एक अच्छी नस्ल है जो महाराष्ट्र में मिलती है, रेड कंधारी उनके यहाँ की बड़ी अच्छी नस्ल है जो वहाँ पर मिलती है, तो इस तरह की नस्लों का ये अपने रख सकते हैं। तो नस्लों से खरीदने से पहले ये देख लें कि ये किस चीज़ के लिए नस्ल रखना चाहते हैं, किस पर्पस इनका पर्पस क्या है, दुग्ध उत्पादन इनका पर्पस है कि आप ये बछड़े पैदा करके अपने खेतों में काम के लिए रखना चाहते हैं नस्ल को। तो अगर खेतों में बछड़ों के लिए नस्ल रखनी है तो मेरा सुझाव इनको होगा कि रेड कंधारी नस्ल को रखें, अगर दूध उत्पादन के लिए इनको कुछ करना है तो ये देवनी नस्ल रख सकते हैं, गिर नस्ल रख सकते हैं, साहिवाल नस्ल रख सकते हैं, रेड सिंधी नस्ल रख सकते हैं, इस तरह की नस्लों का ये बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं गोपालन की। अगले दर्शक जो है वो हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं, राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में, क्या जानना चाह रहे हैं? राजेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप हमें? सर जी हेलो सर नमस्ते। नमस्कार। हेलो सर नमस्ते। राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में, क्या जानना चाह रहे हैं? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जर्सी नस्ल की गाय है जी सर, वो पहले तो सर ये मान लो 3 लीटर दूध दे रही थी, अब की बार तो वो मतलब 2 लीटर दूध दे रही है सर।
यानी जो दूध उत्पादन क्षमता है वो कम हो गई है। हाँ सर, आपकी बात 2 लीटर दूध दे रही है, कैटल सब 3 लीटर दूध देती थी। जी हाँ सर। तो उसको चारे में आप क्या क्या खिला रहे हैं? जो आपकी गाय है उसको आहार में यानी चारे में आप क्या क्या दे रहे हैं फिलहाल? सर आहार उसको पर्याप्त मिल रहा है। जी चलिए, बिल्कुल इनका ये कहना है डॉक्टर भूषण की जो आहार है इनके अनुसार सही है, अच्छा चारा इसको दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो दूध उत्पादन क्षमता थी जर्सी नस्ल इन्होंने बताई हालांकि, लेकिन वहाँ पर दूध उत्पादन क्षमता वो कम हो चुकी है, किस वजह से और क्या अब इनको करना होगा कि जो ये क्षमता है बरकरार रह सके? तो इनको सबसे पहले तो ध्यान देना होगा कि इनका आहार संतुलित है कि नहीं, तो इसका परामर्श किसी भी पशु चिकित्सक, निकट के पशु चिकित्सक से ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाई कि आप जब पशु आपका दुग्ध उत्पादन करता है तो अगर वो 2.5 लीटर दूध दे रहा है तो उसको 1 किलो दाने की जरूरत होगी और 1 किलो उसको मेंटेनेंस का राशन होता है, यानी 2.5 किलो के ऊपर 2 किलो दाना उसको देना होगा। तो दाने में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बहुत सारे किसान भाई हैं वो केवल चोकर डाल देते हैं, बहुत सारे किसान भाई हैं ज्यादा से ज्यादा खल डाल देते हैं जी। तो राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम हमारा एक चलता है, तो राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम में देख सकते हैं कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितना कितना उसको देना होगा। तो खल का उपयोग भी करना है, चोकर का उपयोग भी उनको करना है, चूरी का उपयोग भी उनको करना है, जो चना होता है उसकी चूरी बनती है तो चूरी का उपयोग भी उनको करना होगा। तो सारी चीजों को मिलाकर वो राशन तैयार करें और ठीक से तैयार करें तो पशु के दुग्ध उत्पादन की क्षमता में वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ पशु का ध्यान रखना होगा कि उसे मास्टाइटिस तो नहीं हो गई है, अगर इनके पशु को मास्टाइटिस हो गई है तो उससे भी दुग्ध का उत्पादन जो होता है वो कम हो जाता है जी। साथ ही साथ पशु को अगर कोई बीमारी है या उसको बुखार हुआ है या कैल्शियम की कमी हो गई है तो उसकी जानकारी पशु चिकित्सक से भी ले सकते हैं जी। बिल्कुल, देखिए आप जानकारी ले सकते हैं पशु चिकित्सक से, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय गोकुल मिशन की भी हम बात करते हैं तो ना सिर्फ देखिए इसमें जो हमारे पशुपालक हैं उनको फ़ायदा होता है बल्कि बाकी जो लोग हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है, फिर चाहे रोज़गार की बात की जाए जैसा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बात की। लेकिन डॉक्टर सुरेश, अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे पशुपालक हैं या किसान हैं उनको और प्रोत्साहित करने के लिए एक पुरस्कार भी रखा गया है, कामधेनु पुरस्कार। हाँ, आरजी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो हमारे किसान भाई अच्छे देसी नस्ल के गाय जो पालते हैं उनको आइडेंटिफाई करके हमने देश की 4 क्षेत्रों में जी 3-3 अवार्ड रखा है 2 कैटेगरी में। एक है गोपाल रत्न अवार्ड जी, ये इंडिविजुअल फार्मर्स को दिया जाता है, और कामधेनु अवार्ड जो है ना वो सोसाइटी को, जो ब्रीडिंग सोसाइटीज है जैसा हमारा गौशाला है जी, जो अच्छे तरह के नस्ल को जो पाया जाते हैं उनको आइडेंटिफाई करके राज्य सरकार से हमको प्रस्ताव आता है केंद्र सरकार को जी, और केंद्र सरकार का एक समिति होता है, समिति के अंतर्गत तो इसका वेरिफिकेशन करके स्पॉट वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग, तो ये सब आइडेंटिफाई करके हम इस साल 20 कामधेनु और 21 गोपाल रत्न अवार्ड पुरस्कार किए हैं जी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अंतर्गत जी, जहां सभी किसान भाई जो सक्सेसफुल थे उनको हमने यहां बुलाया और उसको सम्मानित किया गया है, और इसके अंतर्गत जो फर्स्ट प्राइज जो लिए है उनको 3 लाख रुपए जी, और जो सेकेंड प्लेस में आते हैं उनको 2 लाख, और तीसरे प्लेस में जो आते हैं उसको 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी हम दिए जा रहे हैं, और ये कार्यक्रम हर साल चलेगा, तो इससे हमारा बाकी अन्य जो किसान भाई है वो प्रोत्साहित होके वो भी देसी नस्ल के जानवर पालने में अपेक्षता रखते हैं। बिल्कुल, देखिए कैसे जो बाकी किसान हैं वो अग्रसर होंगे आप जान रहे हैं, अलग अलग योजनाएं जो हैं इनका लाभ हमारे किसानों को मिल रहा है। फिलहाल एक और दर्शक हैं जो हमारे साथ सीहोर से जुड़ चुके हैं, देवराज जी बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो देवराज जी से संपर्क हमारा टूट चुका है, लेकिन शायद सुरेश जी हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर मध्य प्रदेश से। सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर जी, हेलो सुरेश जी। जी सर, हमारे गाय बहुत कम दूध दे रही सर। जी हेलो, बिल्कुल जी, जो आपकी गाय है वो कम दूध दे रही है, कौन सी नस्ल की है? जी सर, हाँ सर जी जी, ये एके वाली सर है। चलिए बिल्कुल, सवाल इनका हमारे पास आ चुका है, और खासतौर से आज हम क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन की, उसके साथ साथ स्वच्छ दूध उत्पादन
और A2 मिल्क के महत्व के बारे में कहीं ना कहीं देखा जाए। तीनों ही विषय जो है देसी नस्लों से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जो सवाल हमारे पास आया डॉक्टर भूषण आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारे किसान हैं पशुपालक हैं शायद एक उनकी सोच ये रही, हम उसको लालच भी कह सकते हैं सोच भी कह सकते हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दूध है वो उसका उत्पादन करना है, उसके लिए चाहे पशु को शायद उन्होंने सिर्फ महज पशु ही समझा, क्योंकि ना तो उसके खान पान पर देख रेख की गई ना आवास पर देख रेख की जाती थी, सिर्फ एक सोच रहती थी कि दूध उत्पादन लेना है हमें अच्छे से उसके लिए, और अक्सर हम देखते थे जो पशु उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। तो इसके लिए डॉक्टर भूषण जानना चाहेंगे आपसे, जो सवाल हमारे पास आया था इनका, इनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं किसान भाई को सलाह देना चाहूंगा कि वो सबसे पहला तो ध्यान रखे कि पशु उनका ठीक ठाक है कि नहीं, बीमारियों से मुक्त है कि नहीं, तभी पशु ठीक से दूध देगा जी। दूसरा जो कारण होता है वो पशु को आहार ठीक से नहीं मिलना या संतुलित आहार का नहीं मिलना। संतुलित आहार में उनको विटामिन देना है, नमक देना है और साथ ही साथ मिनरल मिक्सचर देना है। इन तीनों चीजों का प्रयोग उनको बराबर करना हो चाहिए और पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए समय समय पर। और चौथी एक चीज होती है कि पशु को डीवर्मिंग किया गया कि नहीं किया गया। बरसात के मौसम में पशु को डीवर्मिंग भी किया जाना चाहिए, क्योंकि पशु के पेट में कीड़े हो जाते हैं जिसके कारण से पशु दूध कम उत्पादन जो होता है वो कम हो जाता है। अब दूध उत्पादन को कैसे बढ़ाएं, तो उसका नस्ल सुधार कार्यक्रम जो चल रहा है उनके आसपास में, जो पशु चिकित्सक है नस्ल सुधार के लिए जो कार्य कर रहे हैं, अच्छे जगह से उनको उनका सीमन लेना जी। किसी अच्छे सांड का सीमन लेना, उसी का प्रयोग उनको करना चाहिए और अच्छे तकनीशियन से AI करवाना जिससे कि गर्भ ठीक से ठहर जाए उनके गाय में जी। उसके साथ में वे पशुपालक ये भी ध्यान रखें जो उन्होंने गाय खरीदी है जहाँ से खरीदी है उसकी माँ का दूध का उत्पादन कितना था। जैसा सर ने बताया कि ई पशु हाट पर ये सारी सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं, तो ई पशु हाट की सूचनाओं को इकट्ठा पशुपालक जरूर करें, उसको देख लें और उस पशु को खरीदें जो अधिक दूध देने वाला है जी। बिल्कुल, तो ये सावधानी जो है इस बात का खास ख्याल यहाँ रखना होगा हमारे जो तमाम किसान भाई हैं पशुपालक भाई हैं, किस तरीके से जो पशु का चयन कर रहे हैं उसकी सारी जानकारी लें, उसके बाद आपको उसमें भी और ज़्यादा मुनाफा हो सकता है अपने पशु से, इसलिए इनको हम पशुधन भी कहते हैं हमारे पशुपालक। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए हेलो किसान। सुंदर रूप रंग आकार दे स्वप्न करें साकार, स्वच्छ रख पंचतत्व को धरा का करें विकास, देखिए प्रकृति की ओर हर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन, उसके साथ ही स्वच्छ दूध उत्पादन और A2 दूध के महत्व के बारे में, कितना महत्वपूर्ण है ये, कितना पौष्टिक आपकी सेहत के लिए। लगातार जो हमारे पशुपालक हैं उनका रुझान हम देख सकते हैं देसी नस्लों के लिए, और इसलिए भी सरकार ने एक जो मिशन है इसकी शुरुआत की जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे किसान हैं वो इससे जुड़ सकें। फिलहाल हमारे साथ जो दर्शक हैं वो लगातार साथ जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ दिव्यांशी जुड़ चुकी हैं फोनलाइन पर, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? जीवांशी जी हेलो जी, सवाल मैं ये नहीं पूछ रहा था सर, जो देसी नस्ल में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है? चलिए आप पालना चाहते हैं देसी नस्ल की गाय? हाँ सर। चलिए बिल्कुल, देसी नस्ल में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय के बारे में जानना चाह रहे हैं, नस्ल के बारे में डॉक्टर भूषण जी। देशी नस्ल की चार गायें जो अधिक दूध देने वाली हैं, जिसमें साहिवाल है, रेड सिंधी है, राठी है और गिर है जी। और ये चारों नस्ल अब हमारे देश में बहुत है, काफी उपलब्ध है। तो जैसे अगर वो रेड सिंधी खरीदना चाहते हैं तो उत्तराखंड से खरीद सकते हैं, अगर वो गिर लेना चाहते हैं तो गुजरात से खरीद सकते हैं, और गिर तो अभी मध्य प्रदेश में भी काफी गिर उपलब्ध मिल जाएगी उनको, और गिर का सीमन भी मध्य प्रदेश में अब उपलब्ध है जी। बिल्कुल, तो देखिए कहाँ कहाँ से ये तमाम वो नस्लें हैं जिनका चयन आप कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बेहतर दूध उत्पादन क्षमता वाला जो पशु है आपका वो हो और अच्छी उसकी नस्ल भी रहे। और इसके साथ ही यहाँ डॉक्टर सुरेश आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया किस तरीके से जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है इसको लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय की अगर बात की जाए तो लगभग कितने और राज्य हैं जो इसमें अब शामिल हो जाएंगे? फिलहाल आपने बताया कि 9 राज्यों में लगभग 14 जो गोकुल ग्राम हैं उनकी स्थापना की जा रही, स्थापित भी हो चुके हैं कुछ, लेकिन आने वाले समय में और किस तरीके से इस दायरे को बढ़ाया जा रहा है?
मुकुल जी, जैसे आपने कहा कि 9 राज्यों में 14 गोकुल ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं और फिलहाल हमारे पास 5 राज्यों से भी 5 प्रस्ताव आ चुके हैं जी। ये कल परसों में इसका मीटिंग होने वाला है, उसमें तय किया जाएगा और सभी राज्य इसमें शामिल होने के लिए मुक्त अवकाश है जी। जैसे जैसा प्रस्ताव हमारे पास आता है उसको हम एग्जामिन करके उसका फिजिबिलिटी देख के उसको हम ग्रांट करते जाते हैं जी। और ये कंटिन्यू रहेगा ये बिल्कुल। लेकिन कोई किसान है या जो पशुपालक हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कहाँ से इस मिशन के बारे में वो जानकारी ले सकते हैं? राष्ट्रीय गोकुल मिशन की जानकारी हमारा वेबसाइट पे भी है जी, जैसे पहले बताया है www.dhdfnic.in में जी, तो वहाँ राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कोई किसान भाई जी। और अगर उनके पास ये उपलब्धता नहीं है तो वो अपना नज़दीकी जो भी वेटनरी हॉस्पिटल है वेटनरी अस्पताल जो है ना वहाँ जाके भी जानकारी कर सकते हैं। और अपने राज्यों का ये कर्नाटका लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी है जी, उधर भी इसका जानकारी मिलता है। और अपना जो भी AI टेक्नीशियन है जैसा हमने बताया ई पशु पोर्टल के माध्यम से भी इसका जानकारी उनको मिल सकता है जी। बिल्कुल, देखिए अलग अलग माध्यम हैं जिनके जरिए आप जो जानकारी है वो ले सकते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। फिलहाल अगले दर्शक जो हैं झालावाड़ राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, सत्यपाल बोल रहा हूँ राजस्थान से जी। मेरे देसी गाय है 2 और 1 गिर गाय अभी खरीदी है सर, तो मैंने गोकुल मिशन के अंदर जुड़ने के लिए सर क्या करना पड़ेगा राजस्थान से जी? आप जानना चाह रहे हैं कि राजस्थान में जो गोकुल मिशन चल रहा है इसका किस तरीके से और प्रभाव देखने को मिल सकता है और कहां से और इसकी जानकारी मिलेगी? हाँ चलिए बिल्कुल, यहाँ डॉक्टर सुरेश जी, गाय के लिए कौन कौन सा खान पान होता है सर? जैसे मैं अभी नहीं लिए गुजरात से लाया हूँ। चलिए गुजरात से लेकर ये आए हैं और यही हम मान सकते हैं जागरूकता जो है किसानों में लगातार देखने को मिल रही है। डॉक्टर सुरेश, ये जानना चाहेंगे हम आपसे, इन्होंने राजस्थान का जिक्र किया कि गिर फलान के पास है, जर्सी भी थी, लेकिन और इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो क्या राष्ट्रीय गोकुल मिशन अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ पर गोकुल ग्राम जो है अभी तक स्थापित हुआ है या नहीं और क्या ये वहाँ पर और जानकारी ले सकते हैं इसकी? इसका जानकारी वहाँ राजस्थान का जो लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है जी, तो वहाँ जाके ये जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा वेटनरी हॉस्पिटल जो है अपना नज़दीक जो भी वेटनरी हॉस्पिटल है, जो भी AI वर्कर है उनके माध्यम से ये जानकारी ले सकते हैं जी। और अजमेर में हमारा एक सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम है, इसके तहत फील्ड परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, गिर में भी कर रहे हैं हम लोग जी, तो हमारा अधिकारी उधर उपलब्ध रहते हैं, उनके संपर्क में आके भी ये जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आप जानकारी ज़रूर ले सकते हैं। साथ ही राजेंद्र जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे A2 मिल्क की अगर हम बात करते हैं, A2 दूध की, तो कैसे जो बाकी लोग हैं वो भी इसके जो इस दूध का महत्व है उसको जान सकते हैं? आप कैसे उनको आप कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपने बताया काफ़ी जो लोग हैं वो भी आपके साथ जुड़ रहे हैं और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत आप भी पुरस्कृत हो चुके हैं, कैसे इसको अब आगे बढ़ाया जा रहा है? नहीं, इसमें अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है जी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बनासकांठा में 10 दिसंबर 2016 में लॉन्च किया था अमूल के माध्यम से A2 देसी गाय का दूध जी। और माननीय अपने कृषि मंत्री महोदय भी मंच पे इस बात को रखते हैं, तो फिर भी अभी बहुत ज़्यादा इसमें काम करने की ज़रूरत है, लोगों को जोड़ने के लिए, अवेयर करने के लिए। देसी गाय के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत पूरे देश में है अभी जी, क्योंकि अलग से दूध पे कभी बाइफरकेशन पे नहीं हुआ है। देसी गाय का दूध अलग, क्रॉस ब्रीड का या जर्सी गाय का या भैंस का, तो इसमें देश में काम करने की बहुत आवश्यकता है। इसी एक उद्देश्य को लेकर हमने A2 मिल्क रिसर्च कारपोरेशन की और एक देश को कोशिश की कि कुछ अच्छी चीज़ दे सके, स्वास्थ्यवर्धक थी, इससे उसका इकोनॉमी और हेल्थ दोनों में फायदा हो सके, इन्वायरमेंट सारे बिल्कुल दोनों तरीके से फायदा पहुंच सके। और इसी के लिए जो हमारे शायद दर्शक हैं उनमें भी एक जागरूकता देखने को मिल रही है, लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। फिलहाल अगले दर्शक जो हैं मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरज जी। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? नीरज जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? कोशिश यहाँ कर रहे हैं नीरज जी से बात करने की। लगातार देखिए जो दर्शक है जागरूकता उनमें देखने को मिल रही है और ये जिज्ञासा हम मान सकते हैं जिसके जरिए जानकारी जो है लगातार आप तक पहुंचाई जा रही है। फिलहाल दर्शक हैं नीरज जी जो ऑनलाइन पर बने हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं यहाँ पर। नीरज जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सर, बिल्कुल सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना? सर, हम सर डेयरी उद्योग, छोटा उद्योग डालना चाह रहे हैं, मतलब सर 10-20 वर्षों जो भी सर जी, तो इसके लिए लोन की क्या सुविधा सर हमारे मतलब सरकार की तरफ से सर, और हम इसके लिए कहाँ संपर्क कर सकते हैं मतलब सर?
चलिए बिल्कुल। और हमें जी, और सर हमें मतलब सर इसका प्रशिक्षण कहाँ मिलेगा सर? चलिए बिल्कुल, प्रशिक्षण और उसके साथ साथ डेयरी फार्मिंग एक रोज़गार के रूप में भी डॉक्टर भूषण अगर हम देखें तो काफ़ी ना सिर्फ जो हमारे पशुपालक किसान हैं बल्कि कई युवा हैं जिनका रुझान इस तरफ हुआ है, क्योंकि अच्छा इसको आमदनी का जरिया अब बना दिया गया है, लोग जो है काफ़ी अच्छा मुनाफा इससे ले रहे हैं और ये जो दर्शक थे हमारे ये भी इससे अब जुड़ना चाह रहे हैं खासतौर से, तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर इनको इसकी और बेहतर ढंग से जानकारी मिल सकती है? नीरज जी को मध्य प्रदेश में जो जानकारी मिलेगी वो मध्य प्रदेश लाइव स्टॉक पोल्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वहाँ पर भोपाल में, तो उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे वेटनरी के डायरेक्टर हैं एनिमल हस्बेंड्री के, उनसे भी संपर्क किया जा सकता है और निकटतम पशु चिकित्सालय से तो संपर्क किया ही जा सकता है जो उनके बहुत पास में होगा जी। तो इसके लिए मैं जानकारी दे दूँ कि इन्हें ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, इन्होंने बात की, तो ट्रेनिंग के लिए इनको MPLPDC जो मध्य प्रदेश लाइफ स्टॉक पोल्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उनसे संपर्क करके अपना नाम उनको भेजवा दें और वे इन्हें ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे किसी भी निकटतम ट्रेनिंग केंद्र पर। किसानों के लिए ट्रेनिंग की इसमें इस योजना में प्रावधान किया गया है, इन्हें ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, यानी ट्रेनिंग का जो भी खर्चा होगा निःशुल्क होगा, निःशुल्क इनको मिलेगी ट्रेनिंग जी। और ट्रेनिंग के बाद में अगर ये आइडेंटिफाई हो जाते हैं डेयरी उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तो इन्हें 10 पशुओं का इंडक्शन का पैसा भी मिलेगा जो कि लोन बैंक के द्वारा होगा और जिसमें 25% की सब्सिडी, बैक एंडेड सब्सिडी, यानी जब ये लोन चुका देंगे तो उसके बाद में सब्सिडी का इनको फायदा मिलेगा। ये तमाम फायदे देखिए आपको हो सकते हैं अगर आप जानकारी पूरी रखते हैं। फिलहाल एक और दर्शक जो जानकारी लेना चाह रहे हैं, ज्ञानेंद्र जी जुड़ चुके हैं दरभंगा बिहार से हमारे साथ। ज्ञानेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? सर एक 5 महीना का गाभिन है, वो दांत किस तरह से है जी? चलिए जितना सवाल आपका हम समझ पाए, आप बता रहे हैं जो आपका पशु है वो दांत किटकिटाता है जी, दांत पीसता है, जो आप हमें बताने कब से ये चल रहा है? करीब 15-16 दिन से। चलिए 15-16 दिन से है, और मैं चाहूंगा डॉक्टर भूषण अगर आप इनका बता पाए उनको क्या करना चाहिए। देखिए दो कारण हो सकते हैं दांत किटकिटाने के, एक तो पेट में उसके कीड़े हो सकते हैं, तो पेट में कीड़े हो सकते हैं तो डीवर्मिंग की दवा अपने पशु चिकित्सक से ये ले सकते हैं जी। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि दांत थोड़े लंबे हो गए हैं पशु के, तो दांत कभी कभी घिसवाने भी पड़ते हैं जी, तो घिसवाने के लिए पशु चिकित्सक जो पास में होंगे उनसे संपर्क कर ले तो दांत वो घिस देंगे। तो अपनी अपने पशु के सेहत का ख्याल इनको ज़्यादा अब रखना चाहिए क्योंकि बरसात का मौसम है। मेरा तो ये निवेदन होगा इनसे कि अपने पशुओं को टीके लगवाएं, और टीके लगवाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो आपको देखिए समय रहते जो टीकाकरण की बात की जाती है उसको भी मानना बेहद ज़रूरी, क्योंकि पशु का अगर स्वास्थ्य बरकरार रहेगा तभी आपको और ज़्यादा उससे मुनाफा मिल सकता है, तभी आप अच्छा दूध उत्पादन जो है वो अपने पशु से ले सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा इससे मिल सकता है। आज भी हमने कार्यक्रम में आपको जानकारी दी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में, किस तरीके से एक मिशन मोड में इस योजना को लाया गया जिससे हमारे जो पशुपालक हैं या हमारी देसी नस्ल की गायें हैं उनको फ़ायदा हो, और आपने जाना स्वस्थ दूध उत्पादन और A2 मिल्क का महत्व भी। लेकिन आज जो वक्त है वो अब हो चला है आपसे बता लेने का, साथ ही हमारे विशेषज्ञ जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे जो दर्शक हैं और अच्छे ढंग से अब जान पाए होंगे वो किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, और आप भी हमारे साथ देखिए कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अगर आपका फ़ोन नहीं लगा यानी आपका सवाल आपको लगता है शामिल नहीं हो पाया तो हमारा ईमेल एड्रेस आप नोट कर सकते हैं, इसके ज़रिए भी अपना सवाल या सुझाव जो है हमें भेज सकते हैं। एड्रेस है hellokisan2015@gmail.com, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर भी जाकर आप हमें अपना सवाल लिख सकते हैं, इसके लिए आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और वहाँ भी आप अपना सवाल सुझाव जो आप भेजना चाहें हमारे साथ साझा कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो किसान कॉल सेंटर नंबर है ये आप सभी को याद होगा, याद नहीं है तो इस नंबर को आप लिख लीजिए 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आप इस पर अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और अब आपको बताते हैं हमारे कल का विषय, यानी कल जो दिन है वो है शुक्रवार का, और कल आप देख सकेंगे जागरूक किसान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर समस्या और कानूनी सलाह। इस योजना को जानना बेहद ज़रूरी, और इसके लिए जो समस्या हमारे किसानों के सामने आती है उस पर कानूनी सलाह आपको क्या लेनी चाहिए, किस तरीके का कदम आपको उठाना अगर आपको लगता है कि ठगी आपके साथ हुई है इस योजना को लेकर, और क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू हैं इस योजना के जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, सारी जानकारी कल लेकर आएंगे आपके लिए जागो किसान में। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।